Hello students, welcome again in Propella classes. I hope you are all well. आज हमारा टॉपिक है कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कंपटीशन लॉ की अगर हम बात करें तो उसका पर्पस सेम वैसा ही है जैसा हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का है। जैसे कि आर्टिकल 38 और 39 क्या कहते हैं कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कि जो स्टेट है वो लोगों के जन कल्याण के लिए यानी कि लोगों के कल्याण को प्रमोट करने के लिए एक्ट करेगा या प्रयत्न करेगा। अब अगर हम बात करें कि कंपटीशन लॉ कैसे प्रोटेक्ट करेगा वेलफेयर ऑफ पीपल को, ठीक है, तो देखिए कंपटीशन क्या है। कंपटीशन है जो मार्केट होती है। अगर हम बात करें किसी इंश्योरेंस कंपनी की, मान लीजिए आपको इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करनी है, आप मार्केट में जाते हैं और मार्केट में क्या है, सिर्फ एक कंपनी है जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रोवाइड कराती है, आपको सर्विस देती है। अब आप वहां पर जाएंगे तो जब उस कंपनी को ये पता है कि मैं मार्केट में क्या हूँ, एक अकेली एक ऐसी कंपनी हूँ जो इंश्योरेंस पॉलिसी की सर्विस जो है लोगों को प्रोवाइड करा रही हूँ, तो वो अपने हिसाब से मनमर्जी के हिसाब से क्या करेगी, वो आपसे प्रीमियम वसूल करेगी। तो वहां पर अगर जो प्रीमियम वो वसूल कर रही है अगर उसके बराबर में, मतलब उसकी कंपटीशन में अगर हम कहें अगर अदर कंपनीज भी आ जाती हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पे आपको और वैरायटी मिलेगी। यानी कि जितनी ज्यादा कंपनीज होंगी, जितनी ज्यादा कंपटीशन होगा मार्केट में, उतना ही क्या होगा, लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। अब बेनिफिट कैसे मिलेगा, अब नॉर्मल सी बात है कि जितनी ज्यादा कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी मार्केट में आपको सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे कि अभी मैंने इंश्योरेंस पॉलिसीज का आपको एग्जाम्पल बताया कि, तो अब मान लीजिए नई कंपनी एग्जिस्टेंस में आ रही है, बहुत सारी कंपनी आ रही है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया, बढ़ गया है, तो वहां पे क्या है, आपको नई कंपनी होंगी तो हो सकता है वो कम प्रीमियम पे आपको, ठीक है, कम प्रीमियम पे आपको पॉलिसी प्रोवाइड करा दे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस चीज का बेनिफिट क्या है, वो हम लोगों को यानी कि कंज्यूमर्स को है। अब दूसरी बात मैं एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ कि अगर कॉम्पिटिशन ही नहीं होगा तो जो है लोगों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है या मार्केट में है, जितने ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्शन करते हैं ये, तो इनमें कहीं भी अगर आप कहीं मार्केट में कहें या फिर कहीं भी कहें, अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं करेंगे। अगर मान लीजिए स्टूडेंट ही है और स्टूडेंट्स है, मान लीजिए एक क्राइटेरिया बना दिया कि कोई चाहे कितना भी पढ़ ले, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ए ग्रेड ही देंगे, हमारे यहाँ बी या सी ग्रेड नहीं है। तो वहाँ पे जब सब स्टूडेंट्स को पता है कि चाहे ज्यादा पढ़ लें या कम पढ़ लें, ग्रेड उनकी ए ही आनी है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर कोई इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो कंपटीशन जब मार्केट में ज्यादा आता है तो एग्जिस्टिंग कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपने में इम्प्रूवमेंट लेकर के आती हैं। अब इम्प्रूव वो अगर कर रही हैं, कंपटीशन अगर वो आ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, अपने की जो बराबर का इक्वल का जो कॉम्पिटिटर्स होगा उसको बीट करने की कोशिश करेंगी। अब बीट कैसे करेंगी, अनफेयर मीन्स फॉलो करके या फिर फेयर मीन्स फॉलो करके। अनफेयर मीन्स कैसे फॉलो करेंगी, हो सकता है कि वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करने लगे, ठीक है, कि आप ये प्रोडक्ट है हमारा, मान लीजिए कोई मोबाइल है, इस हमारे मोबाइल के प्राइस भी इतना रहेगा, 15,000 रहेगा और आप भी इस वाले का 15,000 ही रहेगा, एंटी कॉम्पिटिटिव हो गया कि कॉम्पिटिशन ही नहीं, अगर एग्रीमेंट कर लिया है आपस में। दूसरी चीज क्या है कि फेयर मीन यानी कि अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जो मोबाइल्स हैं, ठीक है, एक मोबाइल का जब सेट आता है तो उसको बीट करने के लिए देखिए नई से नई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कोई भी कंपनी, क्यों, क्योंकि जिससे कि जो दूसरे कॉम्पिटेटिव हैं हमारे टेलीकॉम कंपनीज में की बात कर लें, किसी अदर कंपनीज की बात कर लें, तो वो क्या करें, हम ज्यादा सर्विस, ज्यादा अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, तो क्या हुआ, कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट्स को परचेज करेंगे। तो कंपटीशन मार्केट में इसलिए जरूरी है, मार्केट में जितना ज्यादा कंपटीशन होगा वो हमारे लिए यानी कि कंज्यूमर के लिए ही बेनिफिशियल होगा। अब अगर हम बात करें कंपटीशन लॉ की, तो कंपटीशन लॉ स्टार्ट हुआ था, एग्जिस्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, जिसे हम MRTP एक्ट भी कहते हैं। अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इसके लिए
जो इंक्वायरी कमीशन स्टैब्लिश किया गया था वो 1964 अप्रैल में किया गया था, किसके सुपरविजन में, अंडर केसी दास गुप्ता जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे। अगर हम इस एमआरटीपी एक्ट की बात करें तो इसमें ये तीन चीज को कवर करता था, एमटीपी यानी कि मोनोप्लास्टिक ट्रेड प्रैक्टिस। मोनोप्लास्टिक ट्रेड प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो मोनोप्लास्टिक ट्रेड प्रैक्टिस क्या है कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए किसी भी ट्रेड में, ठीक है, ट्रेड में, तो इसको रेस्ट्रिक्ट करता था, एक चीज ये कवर करता था। दूसरी क्या है, आरटीपी, आरटीपी यानी कि रेस्ट्रिक्शन लगाता, रेस्ट्रिक्टरी प्रैक्टिस यानी कि रेस्ट्रिक्ट लगाता था किस पे, ट्रेड पे, कि जो ट्रेड होगा उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन के अंदर ही ट्रेड किया जाएगा। नेक्स्ट आपका यूटीपी, यूटीपी की अगर हम बात करें यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनफेयर ट्रेड यानी कि जो आप ट्रेड कर रहे हो वो क्या है, आपका अनफेयर है, आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस का क्या कर रहे हो, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, ठीक है, जो भी नॉर्म्स बनाए गए हैं मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स के आप उसको कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, नॉन कंप्लायंस कर रहे हो, उसका फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, ठीक है, प्राइसिंग जो है उसमें क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि एक के साथ एक फ्री है इस तरह से, मतलब आप क्या कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो, तो ये इसको भी, इस तरह के ट्रेड को भी क्या करता था, ये रेस्ट्रिक्ट करता था। अब अगर हम बात करें यूटीपी की, देखिए एमआरटीपी यानी कि मोनोप्लास्टिक ट्रेड प्रैक्टिस को रिपील करके यानी कि यहाँ से हटा करके आपका बनाया गया कंपटीशन एक्ट, ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें यूटीपी को हटा करके आपका क्या आया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखिए जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारा एमआरटीपी एक्ट है वो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को प्रमोट करता है, यानी कि ट्रेड पे क्या करता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन के अंदर ही ट्रेड किए जाएंगे। जबकि अगर हम बात करें 1991 में जब हमारे जो इकोनॉमी थी, जो इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए थे, जो हमारी इकोनॉमी फ्लक्चुएट हो गई थी 1991 में, तो उस समय जो हमारे उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो एक कंसेप्ट लेकर के आए थे एलपीजी का, एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अब जब आपकी ट्रेड को लिबरल कर दिया है, प्राइवेटाइज कर दिया है और ग्लोबलाइजेशन हो गया है, तो रेस्ट्रिक्शन यानी रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मायने नहीं रखती, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, वायलेट कर रही थी राइट्स को जितने भी ट्रेडर्स हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शन के साथ ग्लोबलाइजेशन का जो ऑब्जेक्ट था वो कैसे फुलफिल हो सकता था। तो इसलिए 1999 में अक्टूबर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर एसवीएस राघवन, जिसे राघवन कमेटी भी कहा। इस कमेटी ने क्या किया, इस कमेटी ने एडवाइस दी एक मॉडर्न कंपटीशन लॉ की फॉर अ कंट्री लाइन विद इंटरनेशनल डेवलपमेंट, क्यों, ग्लोबलाइजेशन के लिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट जरूरी है और एमआरटीपी यानी कि जो उसके अंदर रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस था उसके साथ जो है डेवलपमेंट नहीं हो सकता इंटरनेशनल लेवल पर। तो हमारा जो कॉम्पिटिशन एक्ट था वो एग्जिस्टेंस में आया जनवरी 2003 में, उसी में ही एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई, वो हुई आपकी अक्टूबर 2003 में। अब अगर हम इस एक्ट की बात करें तो ये एक्ट क्या कहता है, ये कहता है कि इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द कमीशन, ये कमीशन जो है, आयोग जो है, कौन सा, कंपटीशन कमीशन यानी कि प्रतिस्पर्धा आयोग, इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी ड्यूटी है टू एलिमिनेट द प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस को एलिमिनेट करना जो कि एडवर्स इफेक्ट डालती है किस पर, कंपटीशन पर, और इसका क्या ड्यूटी है, टू प्रमोट, प्रमोट करते और सस्टेन कंपटीशन, और जो कंपटीशन है उसको बनाए रखे, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, जो कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इंश्योर करे फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उन्हें क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ ट्रेड मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं है रेस्ट्रिक्शन उन पे दुनिया भर के इम्पोज कर दिए गए हैं।
कैरिड आउट ऑन द अदर पार्टिसिपेंट द मार्केट इन इंडिया, मेन चीज इन इंडिया, भारत के भीतर, भारत के अंदर। तो ये क्या कह रहा है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि जो कंपटीशन है हमारा, कंपटीशन एक्ट का पर्पस जो है वो क्या है, वो है कि कमीशन जो बनाया जाए, कंपटीशन कमीशन, उसकी ये ड्यूटी है कि वो जितनी प्रैक्टिसेस हो रही हैं, एडवर्स इफेक्ट जो डाल रही हैं कंपटीशन पर, उनको एलिमिनेट करे, प्रमोट करे और सस्टेन यानी बनाए रखे कॉम्पिटिशन को मार्केट में, और प्रोटेक्ट करे, जिससे क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा कंज्यूमर का इंटरेस्ट, और क्या करे, इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ऐसे ही जो अदर पार्टिसिपेंट्स हैं यानी कि जो छोटे पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि ट्रेड करना चाहते हैं, उन्हें भी फ्रीडम प्रोवाइड कराए इन इंडिया, भारत के भीतर जो नए आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ रहे हैं उनको क्या दे, फ्रीडम प्रोवाइड। ऐसे नहीं है कि अगर छोटे कॉम्पिटिटर्स अगर आ रहे हैं तो उन पे आप रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, ठीक है, तो उनको भी प्रमोट करें कि वो भी आए और मार्केट में क्या करें, एज अ कॉम्पिटिटर आए, यानी कि मार्केट में कंपनी खोलें, सर्विस प्रोवाइड कराएं या प्रोडक्शन करें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट है कंपटीशन एक्ट 2002 का हमारे, ये है टू एस्टैब्लिश सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है कंपटीशन कमीशन की स्थापना करना, और जो कंपटीशन कमीशन होगा वही सारे एक्ट करेगा। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट मोनोपोलीज एंड टू प्रमोट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट। दूसरा क्या है कि जो मोनोपोलीज है, जो लोगों ने एकाधिकार बना लिया है, उसको प्रिवेंट करना और कंपटीशन को मार्केट में प्रमोट करना। नेक्स्ट, टू प्रमोट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यानी कि जो फ्रीडम है ट्रेड करने की उसको भी प्रमोट करे फॉर द पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल एंड एंटिटीज इन द मार्केट। जो इंडिविजुअल और छोटी छोटी एंटिटीज हैं उनको क्या करे, पार्टिसिपेशन करने के लिए क्या करे, फ्रीडम प्रोवाइड कराए, ठीक है, उन पर रेस्ट्रिक्शन ना लगाए अननेसेसरी। नेक्स्ट, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, द मेन पॉइंट ऑफ कंपटीशन एक्ट, टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर की पर्पस मेन क्या है कि इन सब चीजों से कंज्यूमर के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होने चाहिए, यानी कि उनका जो हित है वो संरक्षित होना चाहिए। अब अगर हम आगे कंपटीशन एक्ट की बात करें, जो हमारा कंपटीशन एक्ट है 2002 का, तो वो पूरा किसके अराउंड घूमता है, यानी कि पूरे कंपटीशन एक्ट में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। पहला आपका प्रोहिबिशन ऑफ एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, यानी कि जो हमारा कंपटीशन एक्ट है वो जितने भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स होते हैं उनको प्रोहिबिट करता है, जो कि हमारा सेक्शन 3 में उसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कराई गई है। नेक्स्ट आपका प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज डोमिनेंट पोजीशंस, यानी कि अगर आप डोमिनेंट पोजीशन में हैं, आप एक अच्छी स्थिति में हैं, यानी कि अगर आप दूसरे को अधिशासित करने की इच्छा में, हिंदी में अगर मैं वर्ड बताऊं, तो आप वहां पर उसका मिसयूज नहीं करेंगे। अगर आपकी मार्केट में एक अच्छी पकड़ है तो आप उस अच्छी पकड़ का मिसयूज नहीं करेंगे जो छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, उनके ट्रेड को क्या करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट आपका रेगुलेशन और कॉम्बिनेशन, अगर कंपनीज हैं वो कॉम्बिनेशंस कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो उसको भी उसके लिए भी रेगुलेशंस बनाता है। नॉर्मल सी बात है, अगर सारी कंपनियां, 3 या 4 कंपनियां अगर कॉम्बिनेशन कर लेती हैं, आपस में मिल रही हैं, ठीक है, एग्रीमेंट करके, तो वहां पर के मतलब एक हो रही हैं, तो वहां पे क्या है, जो कंज्यूमर्स हैं उनके इंटरेस्ट का क्या होगा, वायलेशन होगा, यानी कि उनका कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट इफेक्ट होगा इस चीज से। कि नॉर्मल सी बात है, जहां 4 जगह से हमें कोई चीज मिल रही, जहां हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, वहां पर हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाए क्योंकि चारों कंपनियां एक कंपनी कन्वर्ट हो रही है, तो पूरा कंपटीशन एक्ट इसके रिगार्डिंग ही आपका प्रोविजंस करता है। किसके बारे में, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशंस एंड रेगुलेशन एंड ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये था आज का हमारा कंपटीशन लॉ का एक ओवरव्यू टाइप लेक्चर। अगर आपको फुल लेक्चर चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक बाय टॉपिक, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। And at last, thanks for watching and please like, share and subscribe.
and also press the bell icon for more videos. Take care. Bye-bye.